आज हम गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए हम यहाँ गोलगप्पे रखे हैं कुछ, और आलू है, बॉईल किए हुए आलू है, हरी मिर्च है कटी हुई, नींबू है आधा, प्याज कटी हुई है, धनिया पत्ता है कटी हुई, चाट मसाला है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, और गोलगप्पे के पानी के लिए पानी मसाला है यहाँ, और 1 चम्मच नमक है, और आधी छोटी चम्मच काला नमक है, और यहाँ हमने कुछ काले चने और मटर भिंगो कर रखे थे 3-4 घंटे, और इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिए हैं। और यहाँ इमली है, गोलगप्पे के पानी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए आलू को पहले हम मैश कर लेंगे, और इसमें हम प्याज डालेंगे। जीरा पाउडर आधा डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे आधा, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे, और चने और मटर बॉईल किया उसको भी डालेंगे। अब हम इसे मैश कर लेते हैं। अब हम इमली का पानी निकालना है, इसको पल्प को पहले इमली का पल्प को हम छान लेते हैं, इस तरह से छान लेना है। इमली के पल्प को हमने छान लिए, अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालते हैं। 1 गिलास पानी डाले हम इसमें, और अब हम इसमें चाट मसाला, बाकी के चाट मसाला, नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, और पानी पूरी के मसाले भी डाल देते हैं। नमक अपना स्वाद अनुसार डालिए। अब हम इसे बनाते हैं। पहले इसको होल कर लेना है, और इसके अंदर स्टफिंग भरना है। हमने सारे पानी पूरी के अंदर स्टफिंग भर लिए हैं, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसे पानी डालना है, और इसको खाने के लिए ये अब तैयार है। इस तरह से फ्रेंड्स पानी पूरी बनाना है, और आप भी इसी तरह से पानी पूरी को बनाइए, खाइए, और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।